So we'll go ahead with more PYQs of JEE mains 2016 का PYQ है. This question था from home based section of your module. In an experiment for determination of refractive index of glass of a prism, हमको एक experiment है जिसमें हमको refractive index find करना है of a prism by I delta plot. याद है क्या angle of incidence और of angle of deviation plot करते हो? If you remember, initially जब angle of incidence बढ़ता है तो angle of deviation कम होता है. And then it reaches a minimum value. Minimum value पे I और E की value equal होती है minimum value पे. और minimum value पे जो refracted ray है वो base को parallel होता है. और minimum value पे R1 equal to R2 equals to A by 2 भी होता है. और minimum value पे prism formula भी derive होता है. Mu equals to sine of A plus delta M by 2 upon A by 2. Right? चलिए याद रखो. अभी minimum deviation बोला नहीं उन्होंने लेकिन याद रखो. It was found that the ray incident at an angle 35 degree. तो angle of incidence 35 degree है. Suffers a deviation of 40 degree. Delta ki value 40 hai. And it emerges at 79 degree. So 79 degree ka uska angle of emergence hai. In that case, which of the following is closest to the maximum possible value of refractive index? Pehle pura question samajh lo. Humko experimentally refractive index ki value find karni hai. With the help of experiments, we want to find out what is the value of refractive index. फिर हमने उसके लिए आई और डेल्टा का एक प्लॉट किया और इट वाज सीन दैट उस आई डेल्टा प्लॉट में से ऐसा दिखा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 है तो डेविएशन 40 डिग्री है एंड एमर्जेंस का एंगल 79 डिग्री है. तो इन दैट केस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेम्बर कि आई प्लस ई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा होता है. मतलब यहां से तुमको ए मिल जाएगा आई प्लस ई माइनस डेल्टा. तो आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू कितनी है? 35 है. ई की वैल्यू कितनी है? ई की 79 है. और डेल्टा कितना है? 40 है. 35 में से 40 का माइनस 5 प्लस 79 तो कितना हो गया? 74. तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 74. अब प्रॉब्लम यह है कि मिनिमम डेविएशन ये यूज नहीं किया है वर्ड, लेकिन हम फिर भी प्रिज्म फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. उसका रीजन है उन्होंने आपसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. एग्जैक्ट नहीं पूछा आपसे कि एंगल ऑफ डेविएशन जब मिनिमम होगा तब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना, उन्होंने बोला है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. तो व्हाट वी विल डू इज म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू. तो म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 74. हाउ मच वाज डेल्टा? 40 बाई टू अपॉन साइन ऑफ 74 बाई टू. बट 74 प्लस 40 114 बाई टू 57 होगा ना. ये कितना हुआ ये? अरे 70 प्लस 40 110 होता है, ऊपर के 4 114 डिवाइड बाय 2 57. तो साइन ऑफ 57 हो गया ना ये. साइन 57 अपॉन साइन 37. साइन 37 तो पता होना चाहिए, 0.6. एंड साइन 57 0.8 के ऊपर होता है वो. तो 0.8 अपॉन 0.6 मतलब 4 by 3 1.33 के ऊपर ही आंसर आएगा. तो नियरेस्ट आंसर जो होगा 1.33 से वो आपका आंसर होगा. वैसे 1.33 से ऊपर जाएगा ये वैल्यू बिकॉज साइन 57 इज मोर देन 0.8. 57 का साइन 0.8386 डिवाइड बाय साइन 37 इज 0.6. 1.3977 राउंड ऑफ कर लेता हूँ तो 1.4 मिल जाता है ये. तो 1.4 के आसपास कौन है? 1.5. तो ऑप्शन नंबर डी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. अ ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ ग्लास इज शोन इन द फिगर. तो एक प्रिज्म दिखाया है आपको. अ रे इंसिडेंट नॉर्मली टू वन फेस. तो एक ये जो फेस है दिस फेस, इस फेस पे एक रे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, नॉर्मली परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुआ. मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो है
और रिफ्रैक्शन एंगल भी जीरो है, तो रे सीधा जाएगा। ओके, इज टोटली रिफ्लेक्टेड, तो ये रे का टोटल रिफ्लेक्शन होगा इफ इफ थीटा इज हाउ मच 45। तो अगर थीटा की वैल्यू 45 हुई तो उस केस में इन दैट केस अगर 45 वैल्यू हुई तो उस केस में यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है, ऐसा बोल रहा है। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले तो क्वेश्चन समझा क्या, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऐसा बोला है क्या बोला है कि अगर एक सरफेस पे रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो दूसरे सरफेस से उसका TIR हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। गुड, तो अंडर दिस कंडीशन, और ये एंगल कितना होना चाहिए उसके लिए 45। तो अंडर दिस कंडीशन द रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लासेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ऐसा पूछा है आपको। तो हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन समझा? तो इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं समझा तो कैसे चलेगा? तो क्वेश्चन समझो पहले, इट इज टू सिंपल। हमारे पास एक प्रिज्म था, राइट एंगल प्रिज्म है, ऐसा प्रिज्म है। अब क्वेश्चन में ये बोला है आपको कि इस प्रिज्म पे एक सरफेस पे रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर आया, नॉर्मल आया, ऐसा आया, बराबर। तो ये तो सीधा जाएगा क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस के लिए रिफ्रैक्शन होता नहीं, वो सीधा जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, रिफ्रैक्शन जीरो, सीधा गया। तो दूसरे सरफेस पे, इस सरफेस पे अगर ये जो रे ऑफ लाइट है, अगर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकेंड सरफेस पे, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा एंगल दिया हुआ है, दिया क्या थीटा, देखो दिया है, हाँ, अगर ये थीटा की वैल्यू 45 हुई तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, रे ऐसा जाएगा। तो अंडर दिस कंडीशन व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे जल्दी बताओ। साइन साइन आई सी इक्वल्स टू 1/μ लेस देन 1.41 इक्वल टू 4.41 1.41 ग्रेटर देन 1.41। तो तुमको चेक करना है लेस देन है कि ग्रेटर देन है, तब बताना। बोलो क्यों ग्रेटर देन, वाई ग्रेटर देन? जस्ट बोलने से थोड़ी ग्रेटर देन हो जाएगा। हाँ, मतलब ये बात सही है कि ये जो थीटा है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तब जाके TIR होगा। दैट इज करेक्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। तुमने तो बोला था ना कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर है एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ही TIR होगा। तो बराबर है, थीटा की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन IC, और इसका मतलब ये होता है कि साइन थीटा इज ऑल्सो ग्रेटर देन साइन IC, ये बात भी सही है। गुड, सो डू यू रिमेम्बर कि साइन ऑफ IC क्या होता है? 1/μ। तो म्यू ग्रेटर देन क्या आ गया? 1/sin θ। लेकिन थीटा की वैल्यू दी कितनी है? 45। ओके गुड, तो व्हाट इज साइन 45? 1/√2। साइन 45 इज 1/√2 क्योंकि सिंस थीटा इज 45। तो 1/√2 मतलब √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414, ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर देन 1.41। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल ए। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ए है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट? तो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज म्यू, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज म्यू, अ रे इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा, तो एक रे है जो एक सरफेस पे थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुआ ऑन द फेस ए बी, वुड गेट ट्रांसमिटेड थ्रू द फेस ए सी ऑफ द प्रिज्म प्रोवाइडेड। तो पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए वापस से, डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? नो, तो क्वेश्चन और एक बार रीड कर लो।
हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक मतलब डिस्पर्शन नहीं होगा, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर। तो मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट है, इट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म विद एंगल ए ऑन वन ऑफ द सर्फेस ए बी एट एन एंगल थीटा। अब ये जो रे इंसिडेंट हुआ ये दूसरे साइड से ट्रांसमिट होना चाहिए, मतलब इमर्ज होना चाहिए, उसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक रे जो ए बी से अंदर आ रहा है वो ए सी से बाहर जाएगा ऐसा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है ए सी सरफेस पे एंगल जो बन रहा है आर टू वो क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो ए सी सरफेस से रे बाहर जाएगा, अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ तो फिर वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा। मैं एक बार वापिस आपको क्वेश्चन बताता हूँ, वेरी सिंपल। ये है प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म, ये है ए, ये है बी, ये है सी। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, यहाँ एट सम एंगल थीटा। अब होगा क्या, फॉर दिस एंगल थीटा द रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो मान लेते हैं कि ऐसा रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। दूसरे सरफेस पे रे ऑफ लाइट ट्रांसमिट होना मतलब बाहर निकलना, एमर्ज होना। तो दूसरे सरफेस पे रे ऑफ लाइट ट्रांसमिट सिर्फ तब होगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 या 90 से कम हो, मतलब एंगल ऑफ एमर्जेंस 90 या 90 से कम हो। अगर एंगल ऑफ एमर्जेंस ये ज़्यादा हो गया 90 से तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो याद रखना ट्रांसमिट होने का कंडीशन क्या होता है कि ये जो एंगल है ई ये कितना होना चाहिए 90, और ये एंगल क्या बोला था तुमने आर टू। लेकिन डू यू रिमेम्बर जब रिफ्रैक्शन एंगल 90 बनता है तो इंसिडेंट एंगल डेंसर मीडियम में वो कौन होता है क्रिटिकल, कौन होता है क्रिटिकल। इसका मतलब ये है कि अगर रे को बाहर निकलना है तो जो एंगल आर टू है, जो एंगल कौन है आर टू है, वो आर टू एंगल ना क्रिटिकल से कम होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल जितना हुआ तो 90 डिग्री, क्रिटिकल से ज़्यादा हुआ तो इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यू हैव टू रिमेंबर आर टू शुड बी लेस देन नहीं तो रे बाहर जाएगा क्या, नहीं। तो ये पहले समझना चाहिए आपको, बराबर पक्का पक्का गुड। थीटा फाइंड करना, थीटा अब थीटा कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे एंगल को क्या बोलते हो आर वन, इसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स क्या है म्यू, म्यू टू को म्यू बोल दिया और म्यू वन वन हो गया क्योंकि बाहर एयर है। तो पहले तो ए बी सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो तो क्या आएगा, म्यू वन साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर वन। म्यू वन की वैल्यू वन है, साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू टू की वैल्यू म्यू है, साइन आर वन आर वन। तो थीटा कितना हो गया, थीटा साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन आर। मैं इरेज करने वाला हूँ, ये गलत नहीं है, है सब सही है, लेकिन बताता हूँ क्यों। तो पहले चेक करना पड़ेगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स आ रहा है क्या, साइन इनवर्स आ रहा है गुड। तो ये तो नहीं आएंगे, अब इक्वल टू नहीं हो सकता है, वो क्यों नहीं हो सकता बताता हूँ मैं, इक्वल टू क्यों नहीं हो सकता बताता हूँ, ये वापस इसको यूज करना है, हमको वापस यूज करना है, क्यों नहीं हो सकता है इक्वल टू। आर टू की वैल्यू जो है ना, आर टू की वैल्यू वो आई सी से कम है, बट डू यू रिमेंबर आर वन प्लस आर टू इज इक्वल्स टू, तो आर टू इक्वल्स टू ए माइनस है ना, बराबर गुड। तो अगर ऐसा है तो आर वन इक्वल्स टू ए माइनस आर टू गुड, पक्का पक्का। इसके आगे कन्फ्यूजन चालू हो जाता है, फिर थोड़ा सा सोचो, अगर आर टू की वैल्यू आई सी या उससे बड़ी हो क्या हो, थोड़ा सा सोच के बताओ, अगर आर टू की वैल्यू आई सी से बड़ी हो ज़्यादा हो, ए तो फिक्स है ना, हाँ कि ना, हाँ या ना, हाँ ए फिक्स है। आर टू की वैल्यू डिसाइड करेगी कि आर वन का क्या हो रहा है, क्योंकि ए फिक्स है। तो अगर आर टू की वैल्यू बढ़ेगी तो आर वन की वैल्यू घटेगी,
कॉन्स्टेंट, तुम कॉन्स्टेंट में से कुछ माइनस कर रहे हो, बराबर पक्का? तो अगर आर टू की वैल्यू बढ़ेगी तो आर वन की वैल्यू घटेगी, आर टू की वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी। तो याद रखना, अगर इधर मैक्सिमम है तो इधर मिनिमम है। अब यही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा आंसर आने वाला है कि नहीं। तो अगर यहाँ कंफ्यूज होगा तो गए, सबसे पहले दोनों साइड्स पे साइन ले लो। साइन आर वन इक्वल्स टू साइन ऑफ ए माइनस आर टू, बराबर? गुड गुड। तो इफ आर टू इज लेस देन आई सी, आर टू की वैल्यू कम तो ये वैल्यू ज्यादा, ज्यादा ना, हाँ कि ना? हाँ। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, साइन आर वन इज ग्रेटर देन, लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं ना ऐसा? अरे हाँ या ना तो बोल दो। इफ आर टू इज लेस आर वन इज मोर, इसका मतलब साइन ऑफ आर वन इज ऑल्सो मोर। करेक्ट। तो म्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों साइड्स को म्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कर लिया मल्टीप्लाई, कर लिया, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, दोनों साइड से म्यू को मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये जो भी इक्वेशन आया आपका, अगर मैं ए बी सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाता, ए बी सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाता तो बाहर कौन था, म्यू वन, म्यू वन साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर वन, लेकिन म्यू वन की वैल्यू कितनी है, वन, साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू टू की वैल्यू कितनी है, म्यू, म्यू है ना इक्वेशन टू। तो व्हाट इज म्यू आर वन फ्रॉम इक्वेशन टू, साइन थीटा। तो ये म्यू आर वन की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे, साइन थीटा। सो देयर फोर फ्रॉम वन एंड टू, therefore from equation number वन एंड टू यू विल हैव साइन थीटा ग्रेटर देन, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑप्शन ए आएगा, चेक करो ऑप्शन ए है, चेक कर लो, है क्या? हाँ है ना, यस यस, हो गया ना सॉल्व। साइन थीटा ग्रेटर देन म्यू साइन ऑफ ए माइनस आर टू, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ऑफ ए माइनस, ए माइनस आर टू, लेकिन आर टू शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्रिटिकल। बराबर है, तो थीटा इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ऑफ ए माइनस आई सी। बट वॉट इज आई सी, वॉट इज साइन आई सी, वन बाय म्यू, वॉट इज आई सी, साइन इनवर्स ऑफ वन बाय म्यू। नाउ लुक एट द आंसर, साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ वन बाय म्यू, साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ वन बाय म्यू, हो गया डन। ए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, थाउजेंड सिक्सटीन का पी वाई क्यू है। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम हेयर एट एन एंगल अल्फा ऑन साइड पी क्यू ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रूट टू। लेट सॉरी लाइट अंडरगोज टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द प्रिज्म एट 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 पी आर, इंपॉर्टेंट, एट हाइपोटेन्यूज मतलब एट पी आर। When alpha is a minimum value of 45 degree, the angle theta of the prism is, आपको एंगल थीटा पूछा है प्रिज्म का, तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, पहले तो क्वेश्चन समझ लो। हमारे पास ना एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट था, पैरेलल किसको पैरेलल था, पी आर को पैरेलल था, राइट? ये बीम ऑफ लाइट है, ओके। इस इंसिडेंट फ्रॉम एयर, एयर से जा रहा है, कितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ, अल्फा पे इंसिडेंट हुआ, कौन से साइड पे इंसिडेंट हुआ, पी क्यू पे। और जिस प्रिज्म पे इंसिडेंट हुआ उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, रूट टू, कितना है, रूट टू, रूट टू है, याद रखना। लाइट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द प्रिज्म, टी आई आर कौन से फेस पे हो रहा है, पी आर पे। व्हेन अल्फा इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, जब अल्फा की वैल्यू कम से कम 45 डिग्री होगी, कम से कम मतलब 45 या 45 से ज्यादा होगी तो टी आई आर होगा, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। द एंगल थीटा ऑफ द प्रिज्म इज, गुड क्वेश्चन, गुड एंड सिंपल, सिंपल ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट पता होंगे। तो ऐसा है, हमारे पास एक प्रिज्म है, तो
समथिंग लाइक दिस। गुड, अब ये है पी, ये है क्यू एंड दिस इज आर। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द साइड पी क्यू एट एन एंगल, हाउ मच एंगल, 45। कितना एंगल था? 45। तो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, फिर एक रे ऑफ लाइट दिखा देता हूँ विच इज पैरेलल टू दिस। हाँ, मुझे पता है पैरेलल वहाँ पे इंसिडेंट होने वाला है, आई नो दिस, तो मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा। आप तो ऐसा इंसिडेंट हुआ, ऐसा आया, दिस इज हाउ मच अल्फा, कितना ये अल्फा है, और अल्फा की मिनिमम वैल्यू 45 है। अरे तो ये बताओ, इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वेयर टू, तो इट शुड बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ऐसा नहीं, ऐसा इधर, ओके, बराबर, करेक्ट। और फिर यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, टी आई आर हुआ, क्या हुआ, टी आई आर, बोला ना ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि नहीं ऐसा, हाँ कि ना, हाँ। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, गुड, तो यहाँ पे टी आई आर हो रहा है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ऐसा लाइट जाएगा मोर और लेस। यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हो, आर वन, इसको क्या बोलते हो, आर टू, वेरी गुड, गुड। और ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल है, थीटा, इसको पता है क्या बोलते हैं हम लोग, ए। तो सिर्फ नाम चेंज करके तुमको कंफ्यूज करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो तुमको अगर पता होगा कि थीटा इज ए, तो तुम बोलोगे आर वन प्लस आर टू इक्वल्स टू ए, इसका तुम बोलोगे आर वन प्लस आर टू इक्वल्स टू थीटा। तो थीटा फाइन करना मतलब कौन फाइन करना है, आर वन एंड आर टू, बराबर, आर वन एंड आर टू। तो आर वन कैसे फाइन होगा, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ होगा, बाहर एयर है म्यू वन, यहाँ पे भी एयर है म्यू वन, और यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म रूट टू दिया हुआ है। तो पहले सरफेस पे तुम लगा दो स्नेल्स लॉ, तो म्यू वन साइन अल्फा इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर वन, म्यू वन की वैल्यू वन, साइन ऑफ कितना, 45, म्यू टू की वैल्यू म्यू साइन आर वन, बराबर, व्हाट इज साइन ऑफ 45, 1/√2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, √2, बोला ना, √2, हाँ बोला है, देखो √2 बोला है, तो आ जाएगा साइन आर वन, तो व्हाट इज साइन आर वन, 1/2, साइन आर वन अगर 1/2 है तो आर वन कितना है, 30, कितना है, 30 है ना, 30 होता है, बराबर, आर वन मिल गया। अभी आर टू फाइंड करो, आर टू कैसे फाइंड करोगे, आर टू यहाँ से फाइंड करोगे, सेल्स लॉ, तो वापस से म्यू टू साइन आर टू इक्वल्स टू, बाहर कौन था, बाहर म्यू वन साइन ऑफ 90 क्यों लिया, क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल या उससे बड़ा चाहिए, मिनिमम कितना चाहिए, क्रिटिकल, और मिनिमम क्रिटिकल पे बाहर कितना एंगल बनता है, 90, रिफ्लेक्शन एंगल 90 होता है बाहर, तो 90 ले लिया उसको, तो 90 ले लो वो, और म्यू वन तो वन ही है, और म्यू टू कितना है, √2, कितना है, √2, तो साइन आर टू इक्वल्स टू कितना हो गया, म्यू वन की वैल्यू वन, और कितनी, 1, तो साइन आर टू, व्हाट इज साइन आर टू, 1/√2, तो व्हाट इज आर टू की वैल्यू, 45, तो व्हाट इज द थीटा वैल्यू देन, आर वन प्लस आर टू, आर वन कितना आया, 30, आर टू कितना आया, 45, तो आंसर कितना आना चाहिए, 75, है क्या 75, नहीं है, कहाँ गड़बड़ हो गई, कहाँ गड़बड़ हो गई, कहीं तो हुई ना गड़बड़, तो कहाँ गड़बड़ हो गई, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, बताओ क्या गड़बड़ है, बताओ बताओ, आई गिव यू 2 मिनट्स टू फाइंड लोकेट द गड़बड़। पहली बात, आई डू सर्टन थिंग्स ऑन इंटेंशन, सो आई हैव टू सी इफ यू आर पेइंग नोटिस अटेंशन और नॉट। इधर नॉर्मली गलत ड्रॉ किया है फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इसका कोई मतलब नहीं है, गलत किया है तो गलत किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर जो हमने आर वन आर टू निकाला है वो वैल्यूज गलत नहीं है, लेकिन मैंने नॉर्मल ड्रॉ गलत करने से दूसरी चीज़ हो गई। वो ऐसा हुआ कि तुम जो इस प्रिज्म को देख रहे हो ना, उसका ज्योमेट्री मतलब उसके एंगल्स चेंज हो जाएंगे,
तो जिसको मैं अब तक R2 बोल रहा था वो R2 नहीं है, R2 तो अब बनेगा। कुछ कुछ चीजें जानबूझ के करनी पड़ती है, सो हैज टू चेक तुम ध्यान दे रहे हो कि नहीं। दूसरा, जब तक तुमको बोला नहीं हो कि जो थीटा है वही एंगल ऑफ प्रिज्म है, तब तक मानना नहीं, तुमने मान की गलती की। कहीं बोला था थीटा इज एंगल ऑफ प्रिज्म? बोला है थीटा इज प्रिज्म एंगल, बोला है यहाँ पे, फिर मान सकते हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यू कैन से, फिर मान सकते हो थीटा एंगल थीटा ऑफ द प्रिज्म है, लेकिन लेकिन एंगल थीटा इज रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म कहीं नहीं बोला। क्या बोला है? एंगल थीटा ऑफ द प्रिज्म, इस प्रिज्म में एक एंगल थीटा है, समझने का डिफरेंस है। इस प्रिज्म में एक एंगल थीटा है, वो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल नहीं है, वो ए नहीं है। क्वेश्चन को फ्रेमिंग कैसा किया है तुमको कंफ्यूज करने के लिए, JEE है, ऐसा नहीं एकदम इजी दे देंगे आपको। उन्होंने बोला एंगल थीटा ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म एंगल नहीं बोला। प्रिज्म एंगल बोलते तो ए होता, तो R1 + R2 होता, जो गलती तुमने वहां की, मतलब मैंने की ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो देखो ये छोटे छोटे चीजें होती है। अब दो गलती की थी, एक फॉर्मूला और दूसरा था नॉर्मल। अब ये गलती करेक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए काम छोड़ता हूँ, मैं आंसर बता देता हूँ आपको सॉल्व करके। लेकिन जब तुम इस ट्राइंगल का ज्योमेट्री अच्छे से वर्कआउट करोगे तो तुमको एक फॉर्मूला मिलेगा जो मिलना चाहिए। दैट विल बी R2 = R1 + थीटा। R2 = R1 + थीटा मिलेगा। अब कैसे मिलेगा वो तुमको देखना है, वो तुमको खुद को करना है। यू हैव टू अप्लाई वॉट एवर ज्योमेट्री यू नो। तुम ऐसा भी कर सकते हो, कैसा कर सकते हो, इधर एक लाइन ड्रॉ कर दो। कर दिया? हाँ कर दिया, वेरी गुड। फिर ये एंगल पता है क्या बन गया? पता है थीटा। क्यों? वो थीटा था तो ये भी थीटा है, तो कौन से एंगल्स हो गए? करस्पॉन्डिंग। अब ये सारा ज्योमेट्री यूज करके तुमको एक फॉर्मूला मिलेगा, वो है ये। अब वो तुम करोगे, मैं आई विल नॉट टेल यू एवरीथिंग। तो R2 - R1, व्हाट इज R2? 45। व्हाट इज R1? 30। तो आंसर कितना है? वो तो है ना, और वही है, हो गया। तो लुक, ये दो चीजों पे ध्यान रखो। एंगल ऑफ द प्रिज्म, उस प्रिज्म में एक एंगल है, वो प्रिज्म एंगल नहीं है, दैट इज नॉट ए। नंबर टू, सिर्फ नॉर्मल गलत ड्रॉ करने से, नॉर्मल गलत ड्रॉ करने से ज्योमेट्री चेंज हो गया, तो फॉर्मूला भी हमारा अलग आया। डन। सो विल जंप टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, गुड क्वेश्चन अगेन। आई रैंडमली यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस नाउ। अ कॉन्वेक्स लेंस इज पुट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइट सोर्स हमारा ऑब्जेक्ट है। कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। एंड इट मेक्स अ शार्प इमेज ऑन अ स्क्रीन केप 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ऑब्जेक्ट मतलब सोर्स, लेंस से 10 सेंटीमीटर था, और लेंस के पीछे एक स्क्रीन है, पीछे ही होना चाहिए, क्योंकि जहां ऑब्जेक्ट है वहां स्क्रीन नहीं बैठ सकता ना। अगर तुमने लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे, राइट, और इमेज भी 10 सेंटीमीटर पे बना है, तो वो राइट साइड में जाएगा स्क्रीन। तो लेंस, उसके लेफ्ट में 10 सेंटीमीटर पे लाइट सोर्स, और उसके राइट में 10 सेंटीमीटर पे स्क्रीन जहां पे इमेज बना है। रिमेंबर दिस, ऑब्जेक्ट इज एट 10 सेंटीमीटर, इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर। तो बताओ जरा, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम हो तो व्हाट डज दैट मीन? जल्दी, पावर का कोई मतलब ही नहीं है। ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस सेम तब होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस 2f हो, 2f है क्या? हाँ, राइट, गुड, 2f हो, सी एट सेंटर, मतलब तुमको f की वैल्यू 5 मिल गई, लेंस का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। नाउ अ ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द लाइट सोर्स। अब तुमने लाइट सोर्स के बाद में एक ग्लास का स्लैब रख दिया जिसका थिकनेस 1.5 था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है, टू गेट द शार्प इमेज अगेन।
द स्क्रीन इज शिफ्टेड बाय डिस्टेंस डी देन डी इज 1.1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस 0.55 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस 0.55 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस एंड जीरो। तो पहले तो तुमको क्वेश्चन समझना पड़ेगा अच्छे से। क्वेश्चन ऐसा है, ये एक लेंस था जिसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स 10 सेंटीमीटर दूर है ये, और उसका एक इमेज बना, वो भी बना 10 सेंटीमीटर पे, यहाँ बना एक स्क्रीन पे बना, तो यहाँ पे एक स्क्रीन है। ओके गुड, देन अगर आपको फाइंड करना है फोकल लेंथ, आप कर लो फाइंड, नो वन इज स्टॉपिंग यू। यू कैन से 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, माइनस क्योंकि लेंस है, और फिर यूजिंग साइन कन्वेंशंस f तो फाइंड करना है, तो f का तो कमीशन यूज नहीं होगा, v पॉजिटिव होगा और u नेगेटिव होगा, क्योंकि u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस, क्योंकि माइनस एंड माइनस तो प्लस। ओके, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। व्हाट इज v? 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज u? 10 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया? 2/10 हो गया, मतलब कितना हो गया? 5। तो कितने सारे स्टेप्स बढ़ गए। मैंने तो पहले ही बोल दिया था, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब सीधी बात होती है कि जो डिस्टेंस है, तो ट्रिक बना के बता देता हूँ आपको। ये ट्रिक क्या है, तुमको मैंने सब थ्योरी में सिखाया ही है। ट्रिक इज दैट इफ यू हैव मॉड ऑफ यू इक्वल्स टू मॉड ऑफ वी, देन स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग इज दैट 2f इक्वल्स टू मॉड वी या मॉड यू, जो भी लिखना है वो लिख दो। तो 2f इक्वल्स टू 10 हो गया, तो f इक्वल्स टू 5 हो गया। ओवरली खत्म हो गया था 5 सेंटीमीटर, जो तुमने 4-5 स्टेप लगा के सॉल्व किया। f मिल गया आपको, फोकल लेंथ मिल गया। अब आपको बोला है कि अगर हमने सोर्स के बाद एक ग्लास स्लैब रख दिया होता इमीडिएटली आफ्टर द सोर्स, अगर मैंने एक 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस का 1.5 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का ग्लास स्लैब रख दिया होता, तो मुझे वापस शार्प इमेज के लिए स्क्रीन कितना मूव करना पड़ता और कहाँ मूव करना पड़ता? टूवर्ड्स करना पड़ता कि अवे करना पड़ता? टूवर्ड्स करना पड़ता कि अवे करना पड़ता? टूवर्ड्स करना पड़ता कि अवे करना पड़ता? मतलब तुमको पता है क्या फाइंड करना है? तुमको न्यू इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि स्क्रीन पे इमेज बनने वाला है। तो घुमा घुमा के ऐसा नहीं पूछा कि इमेज कहाँ बनेगा, बोले स्क्रीन कहाँ रखोगे बताओ। वही इमेज जहाँ रखना है, इमेज जहाँ बनेगा वहीं पे स्क्रीन रखना पड़ेगा तुमको। तो यू हैव टू फाइंड न्यू इमेज डिस्टेंस वी डैश। और ये कैसे फाइंड करते हैं? बोलोगे ग्लास स्लैब रखने से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट तो तुमने नहीं मूव किया ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो 10 सेंटीमीटर था, 10 ही है, नहीं है 10। इफ यू लुक एट द ऑब्जेक्ट विच इज इन डेंसर मीडियम, हाउ डज इट अपीयर टू यू? तो लेंस को भी तो रेस दिखेगा ना। तो ये जो था, ये रियल डेप्थ था 1.5 थिकनेस ऑफ द स्लैब, रियल डेप्थ, रियल थिकनेस। और ये जो पॉइंट सोर्स है वहां नहीं दिखने वाला, वो आगे दिखने वाला है। तो इसका मतलब तुमको एपरेंट डेप्थ फाइंड करना पड़ेगा। और वो एपरेंट डेप्थ फाइंड कर लो पहले। फिर कैसे करोगे? व्हाट इज एपरेंट डेप्थ? रियल डेप्थ अपॉन म्यू, बराबर ना। व्हाट इज रियल डेप्थ? 1.5 अपॉन म्यू, कितना? 1.5, तो कितना? 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हो गया कि जो नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना यू डैश, वो यू माइनस वन है। 1 सेंटीमीटर आगे दिख रहा है ना उसको अभी, लेंस को वही पॉइंट सोर्स अभी 1 सेंटीमीटर आगे दिख रहा है आगे, बराबर। तो यू डैश विल बी 9 सेंटीमीटर। अभी 9 सेंटीमीटर है तो तुमको वी डैश मिल जाएगा, पर वी डैश फाइंड करना था तो तुमको एफ चाहिए था, इसलिए तो पहले एफ फाइंड किया, इसलिए पहले एफ फाइंड किया। अभी यहाँ से v' मिल जाएगा, 1/v' इज 1/f प्लस 1/u'। यूजिंग साइन कन्वेंशंस, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही होगा, कॉन्वेक्स लेंस है, u' नेगेटिव ही होगा। तो 1/v' इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u'। तो 1/v' इक्वल्स टू 1/5 माइनस 1/9, बराबर। हाँ, अरे कन्वेंशन में ये माइनस हो गया ना। हाँ हाँ, करेक्ट है क्या? करेक्ट है क्या?
हाँ करेक्ट है करेक्ट है। 1/V' इक्वल्स टू 9 में से 5 गए 4, 45 बाय बराबर ना। तो V' कितना आ गया 45 बाय 4, मतलब कितना 22.5/2, या इसका भी आधा कर लो, इसका भी आधा कर लो तो 11.25, 11.25, 11.25 सही है, बराबर है, करेक्ट, यस गुड, हाँ कि ना। हाँ तो न्यू इमेज जो बना वो 11.25 पे बना, ऐसा आप बोल रहे हो, ऐसा आप बोल रहे हो, करेक्ट नहीं है वो। V-V, 11.25 में से 10 गया तो कितना मूव करना पड़ा 1.25, और 1.25 तो आंसर में ही नहीं है, क्या करेंगे फिर। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, पता बताओ कहाँ हो गई गड़बड़, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, इधर बताओ समथिंग इज रॉन्ग हियर। एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ आर माइनस ए, ओके व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग, छोटी छोटी गलती बता, तो गलती कहाँ हुई। तुमने निकाला एपरेंट डेप्थ बराबर, एपरेंट डेप्थ आपको ये सोचना चाहिए था कि ऑब्जेक्ट शिफ्टेड दिखता है, शिफ्टेड कितना शिफ्टेड दिखता है लेंस को वो सोचो ना, एपरेंट डेप्थ निकल क्या करोगे, तुमको शिफ्ट फाइंड करना था, व्हाट इज शिफ्ट, आर माइनस ए, आर माइनस ए, व्हाट इज शिफ्ट आर माइनस ए, मतलब बेसिकली बेसिकली ए की जरूरत नहीं थी, तुमको एस की जरूरत थी, तो ये यू माइनस शिफ्ट था, क्या था ये, यू माइनस शिफ्ट था, व्हाट इज शिफ्ट आर माइनस ए, व्हाट इज ए 1.5, व्हाट इज सॉरी व्हाट इज आर 1.5, व्हाट इज ए 1.5 माइनस 1 मतलब कितना 0.5, तो ये जो तुमने लिखा था ना पहले वो 9 नहीं आएगा, 9.5 आएगा, 10 माइनस 0.5 मतलब कितना 9.5। एक छोटी सी गलती कैन मेक थिंग्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो देखो ऐसा है, हर क्वेश्चन में तो मैं तुमको गलती करके नहीं बता सकता ना, इसलिए थोड़ा सा अभी इसके बाद से केयरफुल हो जाओ। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कितना शिफ्टेड दिखता है, वो एस तुमको माइनस करना है यू में से, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट यहां दिखाई दे रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना था, यू था, तो ये कितना है, यू माइनस एस है, तो यू माइनस शिफ्ट करना था तुमको, हमने यू माइनस ए कर दिया, इतनी सी गलती, आंसर गलत अभी नहीं होगा, गलत डोंट वरी, अभी ठीक है, बाकी सब तो ठीक था, इधर सिर्फ अभी 9.5 लगेगा और इधर 4.5 होगा और ये 47.5 होगा, क्योंकि 9.5 × 5 इज 47.5, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 47.5 × 4.5, ओके गुड। तो ये आ गया आपका वी डैश, अब वी डैश आ गया तो तुमको यहां पे भी जो गलती थी वो करेक्ट हो जाएगी अब। शिफ्ट वी डैश माइनस वी, शिफ्ट ऑफ द स्क्रीन इज वी डैश माइनस वी, व्हाट इज वी डैश, 47.5 / 4.5 माइनस कितना था 10, वी 10 था ना इनिशियल केस, तो ये कितना हो गया 47.5 − 45 / 4.5, तो कितना हो गया ये 2.5 / 4.5, पता है कितना होता है 0.55 राइट। और अवे के टुवर्ड्स अवे, क्यों, क्योंकि ये नंबर 10 से बड़ा है,
10 से बड़ा है, मतलब तुमको जो फाइनल इमेज बन रहा है वो 10 से ज़्यादा डिस्टेंस पे बन रहा है, तो तुमको वो स्क्रीन को पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 0.55 सेंटीमीटर अवे। और आंसर वेरीफाई कर लो, यही आंसर आएगा, 0.55 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रीवियस दो तीन एग्जाम्पल्स वेर काइंड ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल्स विच टेल्स यू कि थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आंसर आपका आएगा ही नहीं, तो हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस। अगला क्वेश्चन, तो अभी ध्यान देना, अभी हर क्वेश्चन में मैं गलती नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में होती है जहाँ पे शिफ्ट होता है वहाँ पे मोस्टली मिस्टेक्स होते हैं। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइन टू इच अदर सच दैट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर एम वन एंड पैरेलल टू सेकेंड मिरर एम टू। लाइट कहाँ पे इंसिडेंट हुआ? एम वन पे, और ये किसको पैरेलल था? एम टू को। अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन, इज फाइनली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड मिरर। फाइनली मतलब मिरर वन से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर मिरर टू से हुआ, एंड फ्रॉम द सेकेंड मिरर, तो क्या बोला है, फाइनली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड मिरर पैरेलल टू द मिरर एम वन, द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स विल बी। तो अगर क्वेश्चन नहीं समझा तो वापस क्वेश्चन एक बार अच्छे से थोड़ा स्लो पढ़ लो। दो प्लेन मिरर है, दोनों में कुछ एंगल है, सम एंगल, ओके, और इस पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, पहले मिरर पे हुआ, और ये रे किसको पैरेलल था? सेकेंड मिरर को। अब पहले मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद सेकेंड मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ और लाइट गया, लेकिन जो लाइट गया वो किसको पैरेलली गया? फर्स्ट मिरर को। ऐसे ही बोला है ना कि सेकंड मिरर को, फर्स्ट मिरर को पैरेलल गया ना। अरे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे तो कैसे समझेगा। चलो ठीक है, वैसे ठीक नहीं है लेकिन अभी ठीक है। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, बी वेरी केयरफुल विद द क्वेश्चंस। ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम ही ये है दैट क्वेश्चन नहीं समझा तो गए। दो मिरर है, तुम्हारी मर्जी, तुम उसको मिरर वन बोल दो, उसको मिरर टू बोल दो, इट्स अप टू यू। सिर्फ अभी बी केयरफुल विथ रीडिंग द क्वेश्चन। इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर एम वन, मिरर एम वन पे लाइट इंसिडेंट हुआ, लेकिन ये किसको पैरेलल था? एम टू को। मतलब जो रे ऑफ लाइट है ना वो ऐसा आया होगा, और यहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ रिफ्लेक्शन हुआ? सेकेंड मिरर पे। और यहां रिफ्लेक्शन होके कहाँ गया? फर्स्ट मिरर को पैरेलल गया, ऐसा गया। तो क्वेश्चन नहीं समझा तो डायग्राम कहाँ से ड्रॉ होगा? फिर ये ऐसा आया, इधर आया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया और इधर गया, इधर गया मैं, उधर गया, जाने कहाँ मैं किधर गया। ये क्या है? थीटा। ये भी क्या है? थीटा। बराबर, एंगल बिटवीन टू मिरर्स पूछा है आपको, बराबर, ये थीटा है तो वो थीटा बोला मैंने, लेकिन एक्चुअली ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे, वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। लेकिन ज्योमेट्री समझ में अगर आया होगा तो ये थीटा है और ये भी थीटा है, सिमेट्रिक सिचुएशन है, लेकिन वो समझना पड़ेगा ना कि एंगल ऑफ डेविएशन ही थीटा है। एंगल ऑफ डेविएशन ही थीटा है। फिर अगर आपको याद होगा, इस चैप्टर का दूसरा ही क्वेश्चन मैंने लिया था, मैंने बोला था कि जब दो मिरर से रे रिफ्लेक्ट होकर जाए तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है 360 माइनस 2 थीटा। वेरीफाई कर लो, रे ऑप्टिक्स का जेई नीट के एमसीक्यू का सेकेंड क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर लिखा है तुमने, 90 डिग्री एंगल आया था उसमें, देखा था, डेविएशन इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। तो ये डेल्टा भी क्या है? थीटा है, तो 360 माइनस 2 थीटा, तो 3 थीटा कितना हो गया? 360, ये यहाँ पे आया तो ऐड हो गया, तो थीटा कितना हो गया? कितना हो गया थीटा? तो आ गया आंसर 120। है क्या आंसर? अरे ऐसा क्यों होता है अपने साथ ना बार बार, क्यों होता है ऐसा बताओ? 360 की 180, एंगल ऑफ डिवीजन 360 की 180। 180 पक्का? हाँ श्योर? तो हमारे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, आंसर ही नहीं मैच होते हमारे, कैसे चलेगा फिर? सही है क्या? हाँ क्या? हाँ, तो आंसर 60 है क्या? है, चेक कर लो, है। हाँ, तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? अगर फॉर्मूला ही गलत अप्लाई करोगे तो आंसर कहाँ से सही होगा? गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैं हर बार बोल रहा हूँ कि अभी मिस्टेक नहीं करना है, फिर तुम करेक्ट भी नहीं करते कि 360 के अभी 180 लिखना है। तो फॉर्मूला याद रखो, एग्जाम आपको देना है, फिर अभी इसमें करोगे क्या मिस्टेक? नहीं, होपफुली, लेट्स सी। अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और फोकल लेंथ एफ वन है, इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर प्लानो कॉन्केव लेंस। एक प्लानो कॉन्वेक्स है, एक प्लानो कॉन्केव है, कॉन्केव है, अच्छे से पढ़ लेना। ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू एंड फोकल लेंथ एफ टू। तो प्लानो कॉन्वेक्स का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन था, फोकल लेंथ एफ वन था, प्लानो कॉन्केव का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू है और फोकल लेंथ एफ टू है। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ देयर स्फेरिकल फेसेस, तो प्लानो कॉन्वेक्स या प्लानो कॉन्केव, एक सरफेस प्लेन है, दूसरा स्फेरिकल है, इन दोनों का रेडियस सेम है, मतलब प्लानो कॉन्वेक्स का रेडियस भी आर है, कॉन्केव का भी आर है, और एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी दिया है कि एफ वन इक्वल टू क्या है, टू एफ टू है, देन म्यू वन एंड म्यू टू आर रिलेटेड एस। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रिलेशन क्या है ऐसा आपसे पूछा है, तो जरा अभी मेरे को बता दो, व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ऑफ कोर्स आई वांट टू नो द आंसर विदाउट मिस्टेक्स, विदाउट करेक्शंस। क्विक, नो, प्लानो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ का फॉर्मूला मैंने डिराइव करके दिया था, ये याद है क्या था? आर अपॉन म्यू माइनस वन, और ये पहला लेंस है, तो और एफ टू इक्वल्स टू आर अपॉन म्यू टू माइनस वन विथ माइनस साइन, क्योंकि प्लानो कॉन्केव था इसलिए माइनस साइन। अब फिलहाल ऐसा करते हैं कि मॉड वैल्यू ले लेते हैं, मॉड मॉड मॉड। ओके गुड, पक्का? तो ये आ गया आपके पास दो इक्वेशंस, और आपको कंडीशन दिया है, क्या दिया है? एफ वन इक्वल्स टू टू एफ टू, सही है। अब बोलोगे ऐसा कैसा तुमने मॉड लिया, चलो नहीं लिया मॉड, नहीं लिया ना मॉड, तो यहाँ पे भी मत लो, फिर यहाँ भी माइनस लो। हाँ तो नहीं तो लेना है तो दोनों जगह पे लिखो, नहीं तो मत ले, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। फिर व्हाट इज एफ वन बाय एफ टू, कितना आया? टू आया ना, आया कि नहीं टू? इक्वेशन नंबर थ्री, अगर मैं इक्वेशन वन और टू को डिवाइड करता तो भी मुझे एफ वन और एफ टू मिल जाता, डिवाइड कर लिया वन और टू को, तो एफ वन बाय एफ टू, व्हाट इज एफ वन बाय एफ टू? आर अपॉन म्यू वन माइनस वन अपॉन आर अपॉन म्यू टू माइनस वन, आर आर कैंसिल हो गया, म्यू टू माइनस वन अपॉन म्यू वन माइनस वन, इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन नंबर फोर का लेफ्ट हैंड साइड और टू का लेफ्ट हैंड, थ्री का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड आर सेम, राइट हैंड साइड विल ऑल्सो बी सेम, तो करो तो इक्वेट क्या आ गया, म्यू टू माइनस वन अपॉन म्यू वन माइनस वन इक्वल्स टू कितना आ गया, टू आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कर लो कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ गया, म्यू टू माइनस वन इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ म्यू वन माइनस टू, माइनस टू, गलती नहीं करनी है याद रखना। बराबर सही है क्या? हाँ, इसको उधर भेजो, भेजा क्या, तो क्या हो गया ये, टू म्यू वन माइनस म्यू टू, इसको यहाँ भेजो, भेज दिया क्या, टू माइनस वन, तो टू म्यू वन माइनस म्यू टू इक्वल टू कितना आ गया, वन, तो टू म्यू वन माइनस म्यू टू इक्वल टू कितना आ गया, बराबर। तो ये जो दो लेंस कांटेक्ट में रखे हैं इसका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, ये तुमको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, ध्यान दो यहां पे, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। द आई आई ह्यूमन आई कैन बी रिगार्डेड एज अ सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो आंखों को तुम सिंगल रिफ्रैक्टिंग, याद है क्या, रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस याद है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। गुड, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सर्फेस इज इक्वल टू दैट ऑफ कॉर्निया, तो जो सर्फेस है इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज इक्वल टू कॉर्निया, यू नो व्हाट इज कॉर्निया, ऑफ कोर्स यू शुड नो, 7.8 mm का रेडियस है उसका। दिस सर्फेस सेपरेट्स टू मीडिया ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज वन, क्योंकि आंखों के बाहर एयर है तो वन, और अंदर 1.34। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सर्फेस एट विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट विल कम टू फोकस, लास्ट सेंटेंस में
इन लोगों ने मास्टर स्ट्रोक प्ले कर दिया। वेरी गुड, लास्ट सेंटेंस, यू नो सिंगल कर्व सरफेस, यहाँ तक तो ध्यान में आ गया होगा, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। आपको म्यू टू पता है 1.34, म्यू वन पता है 1 है, आर पता है 7.8 एमएम है, राइट। पैरेलल रेज तब होता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो वी बनता है एफ पे, फोकस पे, और फोकस पे, और तुमको तो दिया रेडियस, तुमको तो आर दिया है ना, आर बराबर, हाँ कि ना, यस और नो, यस। तो फिर क्या करें अब, क्वेश्चन नहीं समझ में आया? मैंने बोला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला रेज आर पैरेलल, रेज पैरेलल तब होता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, तो बराबर है। अगर रेज पैरेलल हो तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस, फोकस। तुमको तो आर चाहिए, तुमको तो आर चाहिए ना, तुमको आर चाहिए, हाँ कि ना? हाँ, हाँ पक्का, ये तो एफ है ना, फिर तो 2f इक्वल टू आर लिखोगे, यस 2f इक्वल्स टू आर लिखोगे, हाँ कि ना लिखोगे, जल्दी बताओ। f इक्वल टू आर बाय टू मिरर के लिए होता है, किसके लिए होता है? मिरर के लिए होता है, और लेंस के लिए, लेंस के लिए, लेंस के लिए डिपेंड करता है, इक्वी कॉन्वेक्स हो तो f इक्वल टू आर होता है, प्लानो कॉन्वेक्स हो तो f इक्वल्स टू 2r होता है। सिंगल कर्व सरफेस, सिंगल कर्व सरफेस ना ही मिरर है ना ही लेंस है, तो बताओ अभी क्या करोगे? रेडियस कहां से लाओगे, मैं पूछ रहा हूं आपको, लास्ट बटन बेंच, रेडियस कहां से लाओगे, रेडियस कहां से आएगा, रेडियस कहां से आएगा, रेडियस कहां से आएगा? चलो अभी टेम्पररी ऐसा करते हैं, टेम्पररी ऐसा करते हैं, इसको आर मार, टेम्पररी देखते हैं। वी तुमको, वी तुमको फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना है ना, पूछा कि नहीं, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज विल कम टू फोकस, मतलब तुमको वी फाइंड करना है, वी फाइंड करना है इसको, ठीक है, म्यू टू बाई वी। Will you be using sign convention for V? No, because you are finding it. U के लिए करोगे? हाँ करोगे, yes. Mu टू माइनस म्यू वन by R. R के लिए करोगे? हाँ, राइट साइड में क्या, यस, ये वैल्यू R की दी है क्या, दी है, ओके। V पूछा है क्या, अब पूछा है, तो फिर अब एक काम करो, वॉट इज म्यू टू 1.34, 1.34 ही है ना, हाँ, अपॉन V फाइंड करना है, वॉट इज म्यू वन, वन माइनस की प्लस, इधर गलती तो गए, माइनस की प्लस, प्लस ठीक है, प्लस, व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन्फिनिटी, कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस रखो प्लस रखो जीरो होगा वो, इक्वल्स टू म्यू टू कितना है 1.34 माइनस वन अपॉन क्या है 7.8, तो 1.34 बाय वी इक्वल्स टू कितना 0.34 बाय 7. तो वी कितना आ गया, वी आ गया 1.34 इंटू 7.8 अपॉन 0.34, करेक्ट। एक टेंटेटिव आंसर है, आता है कि नहीं देखना पड़ेगा आपको, राउंड अबाउट कैसे चेक करोगे, रफली रफली व्हाट इज द आंसर, अरे 1.34 इंटू 7.8, 1.34 इंटू 7.8 कितना आ गया, डिवाइड बाय कितना किया 0.34, कितना आया 30, ध्यान कब दोगे, एमएम, वेरी गुड, फाइनली। तो ये जो आंसर है ये किस में है,
किसमें है ये? एमएम में है। किसमें ये? ओके, तो आंसर कितना आया अभी ये? 10.30 point something। किसमें आया? एमएम में, 30 point something। तो सेंटीमीटर में कितना आएगा? 3 आएगा कि नहीं? तो 3 है क्या? 3.1 है क्या? हाँ सही है क्या? हाँ सही है क्या? है ना पक्का? अरे दी दिया है ना, दिया होना चाहिए। हर क्वेश्चन में मैंने बोला गलती मत करना, फिर गलती हो रही है। ये करेक्ट है वैसे, लेकिन वो एमएम से सीएम का कन्वर्जन, और जब मैंने यहाँ बोला था सीएम इज नॉट चीफ मिनिस्टर, इट इज सेंटीमीटर, और जब मैंने पूछा था तुमको ये फॉर्मूला के बाद कि आर कैसे फाइंड करोगे, एफ कैसे फाइंड करोगे, एफ पूछा ही नहीं है, पूछा वी है, एफ क्यों फाइंड करना है तुमको? आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेसिक आंसर, एफ क्यों फाइंड करना है? मतलब आप एफ कैसे फाइंड कर, सोच रहे एफ कैसे फाइंड करें, अरे करना ही नहीं है फाइंड।